नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सड़क निर्माण कराने को लेकर युवा एकता परिषद ने खोला मोर्चा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीईओ को मांग पत्र भेज 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, यदि काम नहीं हुआ तो 21 तारीख को करेंगे रायपुर तहसील कार्यालय का घेराव। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गाथा लिखने का दम भर रही है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पहुंचने में ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही का मामला जनपद पंचायत रायपुर अंतर्गत ग्राम उकटा कंचनपुर का है, जहां पैपखरा ग्रामवासियों ने पडरा नाला से पैपखरा आदिवासी टोला तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने को लेकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। वैसे तो ग्राम पंचायत के उच्च स्तरीय विकास का खूब ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। पंडरा अमरा तालाब से पैपखरा पयासियान टोला तक सड़क के संपर्क मार्ग को बनाने के लिए सरपंच तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। जनपद पंचायत रायपुर की ग्राम पंचायत उकटा कंचनपुर की आबादी लगभग 2000 है। आश्चर्य की बात है कि पड़ोस के गाँव पडरा के लिए कोई संपर्क मार्ग ही नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा की जा रही उपेक्षा को देखते हुए ग्रामीणों ने इस संपर्क मार्ग को बनवाने को लेकर युवा एकता परिषद के बैनर तले आंदोलन का रुख अपनाया है। युवा एकता परिषद के जिला संयोजक सूर्या द्विवेदी ने बताया, हमने रायपुर जनपद पंचायत के सीईओ महोदय को अपना मांग पत्र भेजा है, यदि 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आगामी 21 सितंबर सोमवार को रायपुर तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा एवं जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव समेत शासन प्रशासन की होगी। रीवा से हमारे रिपोर्ट अमन शुक्ला की रिपोर्ट। यदि आप यह वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द खबरदार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज द खबरदार न्यूज़ को लाइक करें। धन्यवाद। परेशानी है आपके यहाँ गांव में? हमारे यहाँ परेशानी है, बच्चों आज अषाढ़ में स्कूल नहीं जा पाते, घर से निकल नहीं पाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो पलकी में ले जाना पड़ता है। सरपंच सचिव से आप कुछ बात? सरपंच सेक्रेटरी से बोलते हैं कि बन जाएगी, हो गए, बनेगी, बनाते नहीं। कितने सालों से ऐसा बोल रहे हैं? कितने साल से हो गए? तो आपने बोला नहीं, ये लगातार आप 4-5 साल से बता रहे हैं, कब बनेगी? वो बोलते हैं कि हो गए, बनेगी बनेगी, बनाती नहीं है। ये रोड का निर्माण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है करीब 25-30 साल से, और सरपंच सेक्रेटरी को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन वो बनवाते नहीं है। यहाँ तक कि कलेक्टर को, जिला सीओ को, सीएम तक आवेदन पहुँच गया, लेकिन नहीं, वहाँ से आवेदन आता है, यहाँ की जांच होती है, जांच में पाया जाता है कि रोड का निर्माण हो चुका है, ऐसा ही बोलते हैं। अब देख लिया आप लोग, देखे रोड का निर्माण है कि नहीं? पैसा निकल चुका है, पैसा 2017 में मंजूर हुआ 17-18 लाख रुपए, लेकिन 33 लाख रुपए हुई, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं। कौन सी पंचायत है आपकी? उकटा कंचनपुर। सरपंच मतलब सरपंच से बात करते हैं, उनका रिएक्ट क्या है, क्या बोलते? बोल बनवा रहे हैं, अभी इतने साल हो गए बनवा नहीं रहे, क्या कब कब बनवाए? घटनाएं सड़क की वजह से क्या, कितनी घटनाएं तो बहुत हो चुकी सड़क से, हम लोग की गाड़ी फंस जाती है, निकलती नहीं है, साइकिल फंस जाते हैं, पैदल नहीं जा सकते कहीं पर। बरसात के समय तो और समस्या, बरसात के समय सबसे ज्यादा समस्या है।
फंस जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलता, घर से बाहर है कोई नहीं निकलता है। समस्या रहती है बहुत, पानी भरा रोडों में, पानी भरा जैसे बांधों में पानी रहता है, ऐसे रोड में पानी भरा रहता है। गांव में आप लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ है, क्या मामला है? ये रोड नहीं है सर, हम लोग रोड से बहुत परेशान है, हमारे ग्रामवासी बहुत परेशान है। 74 साल ये बहुत साल हो गए सर, आज तक रोड नहीं बनी सर। 74 साल आजादी के हो गए, लेकिन आज दिनांक तक मात्र एक ही बार रोड बनी है, वो हो गए 30 साल पहले, 20-22 साल पहले BMW रोड बनाया गया था। एक भी कुछ नहीं डाला गया यहाँ पर, सिर्फ गिट्टी डाली गई थी, इसके बाद आज तक कुछ नहीं किया गया। तमाम तक हुई है, पूरी सभी जनप्रतिनिधियों की गई है, कलेक्टर महोदय को की गई है, लिख के दिया गया है। क्या पैसे पास हो चुके हैं रोड के? रोड के पैसे पास हो गए हैं सर या नहीं हुए हैं ये तो पता नहीं है, पर रोड पास हो गया है ये तय है। PWD रोड भी पास है सर, पैसा भी पास और प्रधानमंत्री रोड भी पास है सर, लेकिन काम नहीं करवाया गया आज तक। सरपंच सचिव से आप लोग बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? सरपंच सेक्रेटरी ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल काम नहीं करवाएंगे, आप लोगों जो करना हो कर लीजिए, ऐसा जवाब देते हैं सरपंच सेक्रेटरी। बोलते हैं कि हम शासकीय हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। सरपंच बोलता है कि हम तो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारा कोई क्या। ये हमने सर सरपंच सेक्रेटरी से निवेदन किया कि कम से कम इतनी व्यवस्था करवा दें कि हमारे ग्रामवासी किसी प्रकार से कोई परेशानी या मजबूरी आ जाती है, किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है, कोई बीमार हो जाता है, वो ऑटो से कम रीवा या रायपुर जा सके। लेकिन सरपंच सेक्रेटरी गिट्टी बुलवाए हैं, वहाँ डंप करवा के रखे हैं सर, पर रोड में डालना और उसको रोड को बनवाना मुनासिब नहीं समझा। आपके यहाँ हादसे हो चुके हैं बरसात में बिना रोड के होने के कारण? 2500 हादसा हो चुके हैं। एकता परिषद द्वारा सड़क निर्माण को लेकर एक आंदोलन किया गया जिसमें अधिकार यात्रा निकाली गई। मैं खबरदार न्यूज से पंडित सचिन शर्मा सूर्य आप सभी का स्वागत करता हूं, और हमारे साथ इस समय इस गांव के मुखिया सरपंच हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर ग्रामीणों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा, आज आज़ादी के 74 साल बाद भी शहर से गाँव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शासन प्रशासन नहीं करा पाया, इसका जिम्मेदार कौन है? आइए बात करते हैं। सरपंच महोदय, सबसे पहले खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। जी सर, आज ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि आपके ही ग्राम पंचायत के ग्रामीण सड़कों पर उतरकर और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो है पूरा रोड तो कब्जा किए, पूरी रोड कब्जा किए हैं, पूरा रूंधे हैं जो बोलते हैं, पूरी जनता यहाँ की जो है, सबसे पहले वो तो रोड खाली करें पूरी, इसके बाद रोड बनाए। क्या क्या कभी तो कई बार बोला गया, कई बार सरपंच महोदय, क्या आपने जो है खाली करने के लिए तैयार नहीं? सरपंच महोदय, क्या आपने कभी इस मामले को लेके पुलिस में शिकायत की कि इन्होंने रोड में कब्जा किया है? यदि आपने किया हो तो आप लिखित प्रमाण दिखाइए। इसका नहीं किया इसलिए कि फिर आप मान ले तो ठीक है, फिर आप खुद बताइए आपकी बात में कितना वजन है। ठीक है सर, हो गया, आप पुलिस में कर देंगे। आप यदि आपके पास लिखित कोई प्रमाण हो तो आप मीडिया को दिखा सकते हैं। मैं तहसील में दिया जी, तहसील में मापने के लिए, जो कि वो फरवरी में दिया गया, फरवरी में जो है जी, तो नाप नहीं हो पाई, फिर इसके बाद कोरोना ही लग गया 22 से, इसके बाद कोरोना का आपको बता दें कि आपके क्षेत्र के ग्रामीणों ने जो ग्रामीणों की मांग है वो पड़रा अमरा तालाब से और पैपखरा पैसियान टोला पुगवा तालाब तक सड़क निर्माण का आग्रह इन्होंने किया है ग्रामीणों ने, आपका उसमें क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि पड़रा से जो हमारे क्षेत्र में नहीं है पड़रा, वहाँ से मैं नहीं बना सकता हूँ सर, अपने गांव की रोड बना सकता हूँ जो हमारे गांव की है, और जो पुलिया के इधर भी रोड है वो खजुरिया तालाब तक वो पूरी पट्टे की जमीन में पड़ी है रोड, जितनी आपके ग्राम पंचायत में है उसको बनाऊंगा, वो निर्माण आप कराएंगे। यहाँ युवा एकता परिषद के और ग्रामीणों का ये कहना है कि यदि उन्होंने अपनी एक मांग पत्र CO महोदय को भेजा है, और ग्रामीणों का कहना है कि यदि 15 दिवस के भीतर निर्माण कार्य नहीं चालू किया जाता तो तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उसके लिए ये कहूंगा कि बिल्कुल घेराव किया जाए, पर पहले रोड को खाली किया जाए, घेराव किया जाए लेकिन पहले रोड खाली कर दिया जाए। तो रोड कौन खाली कराएगा? वो करेंगे जिनकी जो रूंधे हैं सर, शासन प्रशासन कराएगा, शासन करवा दूं सर। शासन प्रशासन से आपने मांग की है कई बार, पुलिस से नहीं की, सिर्फ इतनी बात से भी कीजिए, इतनी गलती ही हुई है मेरे से। जो भी आपको मीडिया से जी जी, मैं खबरदार न्यूज से आपको आश्वासन दिलाता हूँ, यदि शासन प्रशासन से किसी प्रकार की आपको सहानुभूति या सहयोग
नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप मीडिया को जरूर याद कर सकते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। आपने खबरदार न्यूज से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, प्रणाम। आपका क्या नाम है? राजीव लोचन तिवारी। आप तो इस गांव के सरपंच हैं। जी। आज आजादी के 74 साल बाद भी और आपके गांव के जो जनमानस है उनको मजबूरन सड़क पे उतर के और अपने अधिकारों के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो ये मांग करते हैं ये लोग, पड़रा से पखरा पहुंच मार, वो हमारे अंडर की बात नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक, मैं आंतरिक पीसीसी बना सकता हूँ, जो कि मैं बना ही रहा हूँ, काम मेरा चल रहा है। पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं जी, आपका ये कहना है कि वो सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं? नहीं, नहीं, ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया है। हाँ, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में ये रोड नहीं है? नहीं, ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रधानमंत्री रोड की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल सड़क नहीं, मैं सड़क निर्माण पड़रा से पखरा तक मैं नहीं, मेरे हिसाब की नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, नहीं। सड़क आपकी ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण मैं पखरा में बना सकता हूँ, पखरा में आपकी ग्राम पंचायत है ना? हाँ है। ये लोग मांग कर रहे हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं है हमारे क्षेत्र में भाई। रोड कौन बनाएगा? रोड मैं ही बनाऊंगा। आज यदि जनता परेशान है तो उसका जिम्मेदार कौन है, आप है कि नहीं है? भाई मैं कैसे हूँ? आप स्वीकार करते हैं कि आप इसके जिम्मेदार हैं या आप जिम्मेदार नहीं हैं? मैं आपकी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को सड़क पे अपने अधिकारों के लिए उतरना पड़ रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ भाई। आप नहीं है? कौन है जिम्मेदार? मैं नहीं जानता। आप जनप्रतिनिधि हैं? मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता की हर तरह की सेवा कर रहा हूँ। मैं सड़क का निर्माण करवाऊंगा सर, मैं करवाने वाला हूँ। अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है रोड वही करवाऊंगा। अभी बीते दिनों आपके ही गांव की एक बहन जिसकी डिलीवरी थी और वाहन में ही उसकी डिलीवरी हो गई, आपको है जानकारी? मेरे को नहीं जानकारी। क्या सेवा कर रहे हैं इस तो मैं जब कोई बजानूंगा सर। ग्रामीणों ने, अभी ग्रामीणों ने हमें बताया है, आपको बताया है, केस हो चुके हैं, ये नया केस ही सरपंच बताया है। हाँ, हम लोग तो थक गए हैं। सरपंच महोदय साफ नहीं बनवा पाए, बोलते सरपंच साहब बोलते हैं कि पैसा नहीं है। आंखों में धूल झोंकने की बजाय आप वास्तविकता पे आए और ये बताएं, जिस रोड का, जिस सड़क का निर्माण का ग्रामवासी मांग कर रहे हैं, उसकी निर्माण आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मैं निर्माण कराऊंगा। कब कराएंगे? जब पानी निकल जाएगा तब। पानी कब निकलेगा? पानी में पानी क्या नहीं निकलेगा तो आप निर्माण नहीं कराएंगे? वाहन कैसे आएगा सर, आप बताओ? आज पानी गिरा है? नहीं गिरा, लेकिन वाहन नहीं आ सकता। कहाँ तक आ सकता है? वहाँ तक क्या आपने मटेरियल ले आया? वहाँ तक आ सकता तो वहाँ दे देंगे तो चोरी कर लेंगे सर, यहाँ चोरी भी होती है, क्या कहूँ सर? चोरी होगी, पुलिस किस लिए बैठी है? ये भी जिम्मेदारी आप ही अपने कंधे ले लेंगे क्या भाई? दो पूरा 5 साल बीच